हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रानी अपने किचन में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम लोग बहुत ही यम्मी और स्वादिष्ट मिठाई बनाएंगे, क्योंकि मुंह में खाते ही मुंह रुकने का नाम नहीं लेगा, बार बार खाने का मन करेगा। चलिए हम लोग बनाते हैं तरबूज के बेस्ट सामान से बिल्कुल अलग तरीके की मिठाई। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए तरबूज का छिलका, जिसको हम लोग वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। ये देखिए इस तरह से तरबूज के छिलके को, इससे आज बहुत ही अलग तरीके का मिठाई बनाएंगे, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और यम्मी लगेगा खाने में। सारे तरबूज को इस तरह से छील लेंगे। देखिए कटर की मदद से, चाहे चाकू की मदद से भी आप छील सकते हैं, जिस तरह से छीलना चाहे इससे, लेकिन जल्दी छिलाता है। ये देखिए इस तरह से हमने कटर की मदद से पूरा छील लिया है तरबूज के छिलके को। ये देखिए चाकू की मदद से भी आप लोगों को छिलके दिखा देती हूँ, इस तरह से छील लीजिएगा। ये ग्रीन पार्ट जितना भी है इसको छील के इस तरह से निकाल लेना है फ्रेंड्स। बहुत ही स्वादिष्ट और यम्मी मिठाई बनेगा, बहुत ही स्पेशल मिठाई है। कभी भी तरबूज के छिलके को फेंकिएगा मत, इस तरह से बना के खाइएगा, कितना स्वादिष्ट बनता है। इसी तरह से छील लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सभी को छील लेंगे। ग्रीन पार्ट जितना भी है उसको निकाल देंगे हम लोग इस तरह से। देखिए चाकू की मदद से और कटर की मदद से हमने छील के दिखा दिया है सभी को। चलिए अच्छे से वॉश कर, देखिए सभी को हमने अच्छे से वॉश कर दिया है। अब एक नीचे बर्तन लेंगे इस तरह से, एक कद्दूकस करने की मदद से इस पर पूरा को हम लोग ग्रेट करेंगे इस तरह से। देखिए सभी को कद्दूकस करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और यम्मी मिठाई बनेगा, जरूर जरूर इस तरह से ट्राई करिएगा। जिसको हम लोग वेस्ट समझ के फेंक देते हैं उससे इस तरह से मिठाई बनाइए। देखिए इस तरह से सभी को कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए जितना भी है सभी को हम लोग कद्दूकस कर लेते हैं इसी तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी को हमने कद्दूकस कर लिया अच्छी तरह से। ये देखिए, चलिए हम लोग गैस पे चढ़ाते हैं। गैस पे कढ़ाई रख दिया है, गैस ऑन कर देते हैं। ये जितना भी तरबूज का छिलका है जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है इसमें डाल देंगे। इसमें देखिए पानी कितना छोड़ा है, आप लोग चाहे तो पानी को निचोड़ भी सकते हैं। मैं पूरे फ्लेवर के साथ बनाऊंगी इसलिए पानी को नहीं निकालूंगी। अगर आप लोग निकालना चाहे तो पानी को निकाल करके भी इसको कर सकते हैं, बना सकते हैं, पानी को निचोड़ सकते हैं। पूरा फुल फ्लेम पर इसको अच्छे तरह से चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। छोड़ने से नीचे में जलने का डर रहेगा, जब तक पूरा पानी सूख नहीं जाता इसी तरह से इसको चलाते रहना है और बीच बीच में देखते रहना है। देखिए फ्रेंड्स, इतना पानी हमारा सूख गया है, भूनते भूनते 2 से 3 मिनट हो चुका है। इस तरह से हम लोग चेक कर लेंगे अगर हमारा नहीं पका है अच्छे से तरबूज का। इस तरह से देखिए अभी भी थोड़ा कच्चा है, पका नहीं अच्छी तरह से। इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम पर दे करके इस तरह से कवर करके 2-3 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, बीच बीच में चेक करते रहेंगे। मीडियम फ्लेम पे दे दीजिए 2-3 मिनट के लिए इसी तरह से। ये देखिए दोस्तों, बीच बीच में हमने देख देख के चलाते गए हैं, इस तरह से हमारा पानी पूरा सूख चुका है। ये भी देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और अच्छी तरह से देखिए पक भी गया है। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। इस स्टेप में हम थोड़ा सा घी डालेंगे, घी ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डाल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। 1 स्पून घी, 1 कप चीनी डाल रहे हैं। आप लोग जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उतना डालिएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी भी हमारा पानी छोड़ेगा, इसको भी हम लोग फुल गैस को करके इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक चीनी पूरा अच्छे से पिघल ना जाए। ये हमारा चीनी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। चीनी हमने नाप में 80 ml के करीब लिया था। इस स्टेप में हम लोग अब दूध पाउडर डालेंगे, 1 कप के डालेंगे इसमें पाउडर शुगर, सॉरी पाउडर शुगर नहीं, मिल्क पाउडर हम लोग डालेंगे 1 कप के हिसाब से। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छे से हमारा मिल्क पाउडर मेल्ट हो चुका है पूरा इसमें। अगर आप लोग के पास मिल्क पाउडर नहीं है, इसके जगह में 2-3 स्पून मलाई डाल सकते हैं। अगर फ्रेश मलाई है तो मलाई डाल दीजिए। नाप में हमने इस कप से लिया था 1 कप।
हल्का सा कलर डालेंगे, फूड कलर। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। तरबूज का बना रही हूँ इसीलिए थोड़ा डाल दूँ ताकि कलर चेंज होने से अच्छा लगेगा। ये देखिए थोड़ा सा 1 इंच के लगभग और डाल देते हैं। बस हो गया, इतना ही डालना है। सभी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। 2 मिनट तक इसको गैस फुल करके फिर से पका लेते हैं जब तक पैन नहीं छोड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी हमारा पैन छोड़ने लगा है। बैटर हमारा बनने के लिए एकदम तैयार हो चुका है। इसे स्टेप में अगर आप लोग चाहें तो जो भी ड्राई फ्रूट खाना पसंद करते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। मैं फिलहाल कुछ नहीं डाल रही हूँ, आपको जो डालना हो डाल सकते हैं। ये हमारा बन के पूरा तैयार हो चुका है। गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। चलिए इसको प्लेट में सेट करते हैं। ये देखिए हमने नॉर्मल प्लेट लिया है, अगर आपके पास बटर पेपर है तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल प्लेट में इस तरह से हल्का घी लगा कर के ग्रीसिंग कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से प्लेट को ग्रीसिंग कर देंगे हल्का। ये देखिए हमारा ग्रीसिंग हो चुका है। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि नया नया वीडियो जो भी अपलोड हो आप लोगों को सबसे पहले मिले। वीडियो को जितना हो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा वीडियो को। ये देखिए हमने प्लेट को ग्रीसिंग कर दिया है। अब इसमें जो हमारा बैटर तैयार हुआ था उसको डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से, जरूर घर में इस तरह से ट्रायल करिएगा, मिठाई बहुत ही यम्मी और स्वादिष्ट बनता है। ये देखिए सभी को डाल दिए इसमें, इस तरह से इसको फ्लैट कर देंगे अच्छे से। फिर सभी को हमने अच्छे से फ्लैट कर लिया है। स्पून के पीछे साइड थोड़ा सा ऑयल लगा दें, सॉरी घी लगा देंगे इस तरह से देखिए, और इसको घी के इस तरह से फैला देंगे ताकि स्पून में जो भी है चिपकेगा नहीं थोड़ा भी। इस तरह से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, इस तरह से कर देंगे, सेब डाल देंगे अच्छा सा। ये देखिए तो अच्छे से लेयर डाल देंगे। तरबूज का जिसको हम लोग वेस्ट समझ के फेंक देते हैं उस पार्ट से इतना स्वादिष्ट मिठाई बनता है, आप खाइएगा तो गेस्ट भी अगर आपके घर में आएंगे तो झटपट बना के दीजिए, समझ नहीं पाएंगे किस चीज़ का मिठाई है। खाते ही मुंह नहीं रुकेगा और पूछेंगे तारीफ में फूल बहनेगा और पूछेंगे कहाँ से कैसे बनाया। ये देखिए ऊपर से थोड़ा सा बादाम लिए हैं हम लोगों ने, हल्का गार्निशिंग कर देंगे। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। ये देखिए हर तरफ से पूरा कर दिए हैं। इसको भी हल्का स्पून की मदद से प्रेशर दे देंगे जिससे कि सब चिपक जाए इसमें। ये देखिए हमारा मिठाई बनके तैयार है। चलिए इसको सेट होने के लिए या तो रूम टेम्परेचर पे रखिए या फ्रिज में दे दीजिए, फ्रिज में 2 आवर्स नहीं तो अच्छे से सेट हो जाएगा। इसको 2 घंटे के लिए हम लोग सेट होने के लिए रख देते हैं, फिर दिखाएंगे कट कर। देखिए फिर 2 घंटे तक हमने रख दिया था इसको सेट होने के लिए मिठाई को। 2 घंटे हो चुका है, हमारा सेट हो चुका है। एक चाकू की मदद से इसको शेप में कट कर लेंगे, जो भी शेप में आपको पसंद है कट कर सकते हैं। से कट कर लेते हैं सभी को अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड सभी को हमने कट करके अच्छे से निकाल लिया है। ये देखिए हमारा कट के तैयार हो चुका है कलाकंद। ये देखिए इस तरह से बनाइए। चलिए हम लोग सर्विंग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा मिठाई बन के तैयार हो चुका है खाने के लिए, बहुत ही यम्मी और स्वादिष्ट बना है, जरूर अपने घर में ट्रायल करिएगा। तरबूज का वेस्ट समझ जिसको हम लोग की वेस्ट समझ के फेंक देते हैं उससे इतना स्वादिष्ट मिठाई बनता है, जरूर अपने घर में बनाइए खाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कैसा बना है कैसा लगा खाने में। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो आप लोगों को सबसे पहले मिले। इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, पसंद आने से लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।